हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदर्स इंग्लिश क्लासेस एंड वेलकम टू अ न्यू ब्रांड सीरीज. सो दिस वीडियो सीरीज आई यूज मस्ट हैव गेस्ट फ्रॉम द टाइटल इज गोइंग टू बी आउट हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर. This video series is very special. I was thinking about making video series since a long time. But because of Corona or COVID-19, I think that now you students have lots of free time at your homes. So this is the right time where I should start series so that you can get the maximum benefit out of it. This is the video series which is going to run for months. And in this entire video series, I am going to take you through each and every age of British literature. This is the video series which is going to run for months. And in this entire video series, I am going to take you through all the important historical and political milestone, all the important writers, poets, dramatists, everybody. So I want to you to sit with a pen or paper. When you start what you any of the video in this series, also make sure you watch in this continuation and you watch it a sequence chronological gets inside your brain. Guys, हमने एक new series start की है history of English literature पर, और इस video में हमने कोशिश की है कि history of English literature को आसान शब्दों में आपके सामने रख सकते. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, देयर वाज सम ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स लिविंग इन दिस प्लेस ब्रिटेन फ्रॉम 55 BC एंड दिस पीपल वाज कॉल्ड ब्राइथन्स एंड दैट इज हाउ द नेम ब्रिटेन केम इनटू बीइंग्स. सो दिस ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स वर लिविंग देयर सिंस 55 BC. दे वर नोन एज ब्राइथन्स. They continue to live there for 410 AD. Now in 410 AD, a Germanic group came into Britain and invaded this place. And this Germanic group consists of three tribes: Angles, Saxons and Jutes. Because Jutes was less in population, so the major were Angles and Saxons. Okay. And because Angles were the dominants, that is why today we know Britain, a part of Britain, as England, which came from the word angle and land, England. Guys, ऐसे तो history of English literature vast है, but इस video में मैं important topic को summary wise आपके सामने रख रही हूँ. तो सबसे पहला period होता है Anglo-Saxon period, जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत को माना जाता है. तो गाइस, सबसे पहले हम एंग्लो सैक्सन पीरियड का हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ सके कि एक्चुअली उस पीरियड में चल क्या रहा था. फिर बाद में हम लिटरेचर को देखेंगे. तो सबसे पहले हम केंट्स के बारे में जानेंगे. केल्ट्स, जिसे ब्राइथन्स एंड गेल्स के भी नाम से जाना जाता है. और आपको बता दूं कि ब्रिटेन शब्द को भी ब्राइथन से ही लिया गया है. केल्ट्स 55 BC तक इंग्लैंड में रहे थे. बहुत बड़ी तादाद में ये लोग माइग्रेशन के आइलैंड में आए थे, जिन्हें हम आज इंग्लैंड के नाम से जानते हैं. उस वक्त रोम एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था. रोम वाज द वर्ल्ड मोस्ट डोमिनेंट एम्पायर एंड द मोस्ट डोमिनेंट मिलिट्री फोर्स ऑफ दैट टाइम. तो रोमन जो थे वो बार बार इस आइलैंड पे आक्रमण करते थे, और 55 BC में वो इंग्लैंड में आ गए, और आते ही बड़ी आसानी से अपनी गवर्नेंस इस्टेब्लिश कर ली. रोमन्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था. उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स इंग्लैंड में बनवाए थे, और साथ ही साथ वे अपने साथ लैटिन लैंग्वेज को भी लेकर आए थे, जिसने इंग्लैंड के लोगों को और वहाँ के लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया, प्रभावित किया था. आज रिसर्च बताती है कि 20% इंग्लिश जो है वो लैटिन लैंग्वेज से ही बनी है. लैटिन ने नॉट ओनली इंग्लिश को बल्कि इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश,
इन सभी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस्ड किया। उस जमाने में लैटिन बहुत बड़ी लैंग्वेज हुआ करती थी और जितने भी क्रिश्चियंस बुक हुआ करते थे वो लैटिन में ही थी। इवन जो बाइबल है उसको भी बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। सो एंगल्स हु वर इनहैबिटिंग दिस प्लेस फ्रॉम 410 AD गेव द नेम इंग्लैंड एंड नाउ दिस थ्री ट्राइब्स दे केम द इन्वेटेड ब्रिटेन एंड दे आर स्टार्टेड लिविंग टुगेदर विद ब्राइथन्स। नाउ दिस एंगल सेक्शन पीरियड इज प्रीडोमिनेंटली स्ट्रेचिंग इन 4600 ईयर्स। सो दिस पीरियड ऑफ 600 ईयर्स इन इट्स हिस्टोरिक साइड इट्स टाइम टू लुक एट द लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एज। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एंग्लो सैक्सन पीरियड जिसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। वॉट इज दिस ओल्ड इंग्लिश? ओल्ड इंग्लिश इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओरिजिनल लैंग्वेज स्पोकन बाई ब्रैथन्स एंड द लैंग्वेज स्पोकन बाई जर्मैनिक ट्राइब्स एंगल सैक्सन एंड ज्यूट्स। So you clubs these two languages, it is become what we know today as Old English. Anglo-Saxon period या Old English period की शुरुआत Romans के बाद होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि Brythons के नाम से ही Britain का नाम बना था और जब Anglo-Saxon यहाँ आए थे तब इस Angleland का नाम बदलकर England कर दिया गया था और ये एंगल लैंड ही बाद में जाकर इंग्लैंड के नाम से फेमस हुआ। अब सवाल ये आता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर रोमन वापस गए क्यों इंग्लैंड से? तो मैं आपको बताऊं कि विसिगोट्स नाम की एक बहुत ही खतरनाक ट्राइब्स हुआ करती थी और ये ट्राइब्स बहुत ही अग्रेसिव थी और ये विसिगोट्स ने रोमन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। तो इंग्लैंड में जो रोम की मिलिट्री थी वो वापस रोम चली गई क्योंकि वहाँ पर उनकी खुद की जमीनें जा रही थी तो ऐसे में उन्हें रोम को डिफेंस करना था। ऐसे में रोम में कोई भी ताकतवर आर्मी नहीं थी। केंट्स तो थे लेकिन वो बहुत ही वीक थे और उसके वश की नहीं थी नए गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना। अब रोमन के जाने के बाद तो अब इंग्लैंड में एकदम बिल्कुल ही ओपन स्पेस था जहाँ पर कोई भी आकर के हुकूमत कर सकता था। तो ऐसे में बहुत सारे ट्राइब्स इंग्लैंड में आने लगी जिसमें से दो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्राइब थे पिट्स एंड स्कॉट्स। पिट्स आई थी नॉर्थ से एंड स्कॉट आई थी आयरलैंड से। इन ट्राइब्स के आने के बाद केल्ट्स जो कि इनका सामना नहीं कर पा रहे थे इसीलिए केल्ट्स ने एंग्लो सैक्सन को इनविटेशन दिया कि आप यहाँ आए और हमें बचाइए। लेकिन गलती यहाँ केल्ट्स से ये हुई कि वे एक दूसरे इन्वेडर से खुद को बचाने के लिए किसी तीसरे इन्वेडर को बुला रहे थे क्योंकि यहाँ एंग्लो सैक्सन भी तो इन्वेडर्स ही है ना पिट्स और स्कॉट्स की तरह। फिर एंग्लो सैक्सन एक मसीहा की तरह इंग्लैंड में आते हैं और अपनी हुकूमत बना लेते हैं और अब इंग्लैंड को एक नया शासक मिल गया। एंग्लो सैक्सन में तीन तरह की ट्राइब्स मिली हुई थी एंगल्स सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। बट ज्यूट्स का यहाँ कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं था क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ही लेस थी कम थी इसीलिए इसे हम लोग एंग्लो सैक्सन के नाम से ही जानते हैं। और एंग्लो सैक्सन के पीरियड में केल्ट्स ने पूरी तरह से ब्रिटेन को छोड़ दिया था और इस तरह पूरे ब्रिटेन पे एंग्लो सैक्सन छा गए थे। उसके बाद स्लोली स्लोली एंग्लो सैक्सन ने 5 किंगडम्स बनाए। इन 5 किंगडम्स के नाम हैं नॉर्थम्बरिया मर्शिया ईस्ट एंजीलिया वेसेक्स एंड केंट और इन 5 का जो हेड था वो था वेसेक्स क्योंकि किंग जो थे वो वेसेक्स में ही रहा करते थे और उस टाइम एंग्लो सैक्सन के किंग थे किंग अल्फ्रेड या उसे अल्फ्रेड द ग्रेट भी कहा जाता है। अब इसी दौर में वाइकिंग ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। वाइकिंग जो बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के ट्राइब्स थे। वाइकिंग की क्रुएलिटी उनके एग्जीक्यूशन से पता लगाया जा सकता है। ये मैं आपको बताती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये लोग कितने अग्रेसिव कितने क्रूएल थे। जब भी किसी को एग्जीक्यूट करना होता था या उन्हें सजा देने की बात आती थी
तब वे लोग उस इंसान को उल्टा लेटा करके उनकी रिब्स को नुकीले चीज से एकदम उनके सारे रिब्स यानी कि उनकी पसलियों को बाहर निकालकर एक पंछी के आकार दे देते थे। और ये वे जिंदा इंसानों के साथ करते थे, उनकी पसलियों को पंछी के पर की तरह बना देते थे और फिर उस पर नमक छिड़क दिया करते थे। ये जो एग्जीक्यूशन है ये ब्लड ईगल के नाम से बहुत पॉपुलर है, बट इस पर अभी डिबेट है क्योंकि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सच में ऐसा हुआ करता था, बट बहुतों का भी मानना है कि ये ऐसा नहीं हुआ करता था। अब चूंकि बात बहुत पुरानी है तो हम लोग श्योर नहीं हो सकते हैं। नाउ मूव टू द टॉपिक। 1066 एडी तक वाइकिंग और एंग्लो सैक्सन का पीरियड समाप्त हो जाता है क्योंकि इसके बाद नॉर्मन कंक्वेस्ट का अटैक होता है। ये नॉर्मन फ्रांस से आए थे और फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर आए थे। तो गाइस ये था एंग्लो सैक्सन पीरियड और ओल्ड इंग्लिश पीरियड का हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिटरेचर। विद वेरी सैड टू टेल बट द फैक्ट इज इवन इन दिस 600 इयर्स नो गुड रिमार्केबल पीस ऑफ लिटरेचर वॉज रिटन। वाई शो? बिकॉज दिस पीरियड इज नोन एज डार्क एजेस। That was a time when England was a constant war. So many invaders coming in. So that happened that during this period people were so much at war. And that they didn't have enough time to pen down something remarkable. No scientific advancement was made. The another reason why good literature were not there for this period because of lack of printing press. No printing press and major works lost due to oral transmission. Now in Anglo-Saxon period they belongs to either of two categories. Either they are literature related to heroism, heroic poetry was very popular, and religion poetry they might be related to Christian ideals. So basically there were two kind of people living in Britain during this period. One were the original people who were Brythons and the second one Veders, which consist Angles, Saxon and Jutes. Together they were known as Germanic tribes. Now Germanic tribes they were pagans people. They didn't believe in God, so they were talking about heroism and their poetry. So all the poetry they were written by the original Anglo-Saxon period. They were talking heroism about knights. There was very significant poetry which I'm sure you would have heard Beowulf. Now the beauty about poem is that we don't know about the author, neither we were aware the name. So the manuscript when it was found people started reading it, and then just because the main character name is Beowulf, they give the name Beowulf to the entire poem, though the name was not written in the manuscript. Now Beowulf is basically a story about the great warrior. He meets a monster called Grendel. The Beowulf defeat the monster Grendel, then Beowulf meets monster mother, it means Grendel's mother, then has a war with Grendel's mother all. Basically it is showing how heroic he is and how he is trying to save his country from this monster. Now this is one kind of poetry which is known as heroic poetry. Another kinds of poetry that you will find in old English literature is the Christian poetry or religious poetry. These poetry were written by the original Brythons. Brythons, as we know, people who originally living in Britain. Now there were Christian because during 5th century there was a man called Saint Augustine who tried to convert entire Europe into Christianity. So because he was trying to spread Christianity, even the original Britain they converted into Christianity. In the started believe in Jesus Christ, so they were writing poetry on Christian ideals. Mostly cross was something which was very dominant in their poetry, and one such poetry is Gem of the Rhodes. If you look at this manuscript, mostly poetry is found in different manuscript.
one important manuscript that you must remember. It is Esther book. Now this Esther book comprises of 131 poetry. This poetry talking about normal day-to-day life problems and challenges faced by the people originally living there. This was a time when the even prose started being created in written, and person who was a pioneer in prose writing was King Alfred, or we can say that Alfred the Great. Anglo-Saxon period में लिटरेचर बहुत कम लिखी गई थी. उसकी वजह ये थी कि उस जमाने में ओरल लिटरेचर काफी पॉपुलर थे. इट मीन्स कथाएं जो थी वो मुंह जबानी सुनाई जाती थी. इसीलिए इस पीरियड को डार्क एज कहा जाता है. एक तो इस पीरियड में लिटरेचर बहुत कम लिखी गई, और जो लिखी गई प्रिंट नहीं हो पाई, पब्लिश नहीं हो पाई. जो लिटरेचर लिखी गई उसमें भी बहुत कम लिटरेचर थी जो सरवाइव की. इन सब में सबसे पहला और पॉपुलर टेक्स्ट बीओवुल्फ है, लेकिन इस टेक्स्ट का कोई नाम नहीं था. लेकिन जब हिस्टोरियंस ने इनको डिस्कवर किया और इन पर रिसर्च किया, तो उन्होंने फाउंड किया कि इस टेक्स्ट का जो हीरो था वो था बीओवुल्फ. इसीलिए इस टेक्स्ट का नाम बीओवुल्फ रखा गया, ताकि इस टेक्स्ट को एक पहचान मिल सके. बिकॉज बीओवुल्फ एक ऐसा टेक्स्ट है जो सिंगल स्क्रिप्ट में पाया गया है, जो सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट में पाया गया है. बाकी सारे टेक्स्ट छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए मिले हैं. बीओवुल्फ का भी मैन्युस्क्रिप्ट जली हुई मिली थी, इसीलिए हम लोगों को ये नहीं पता कि बीओवुल्फ का ऑथर कौन है. बट बीओवुल्फ की स्टोरी एक मॉन्स्टर की स्टोरी है, जिसमें ग्रैंडल नाम का एक मॉन्स्टर होता है. बीओवुल्फ एज अ हीरो उस मॉन्स्टर से फाइट करता है. फिर बाद में उस ग्रैंडल्स की मदर आती हैं, उनके साथ भी बीओवुल्फ फाइट करता है. रिलीजियस पोएट्री में जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करते थे, उन पर लिखते थे. और ड्रीम्स ऑफ द रोड एक रिलीजियस पोएट्री है. और गाइस, और इन सारे मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट था एक्स्टर बुक का. एक्स्टर बुक पोएट्री का एक कलेक्शन है, जिसमें 131 पोएट्रीज हैं. और ये डेली लाइफ पर, लोगों के प्रॉब्लम्स पर, उनके चैलेंजेस पर बेस्ड है. जहाँ तक बात रही प्रोज की, तो एक ही नाम उभर कर सामने आता है, किंग अल्फ्रेड का, अल्फ्रेड द ग्रेट का. वह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर थे, और उनको प्रोज राइटिंग का पायोनियर भी कहा जाता है. पोएट्री में कैडमैन एंड काइनवुल्फ का नाम बहुत ही फेमस है. ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही फेमस राइटर हैं, और ये दोनों नॉर्थ से बिलोंग करते थे. उसी पीरियड की एक और छोटी सी पोयम है ड्योर, और ये 42 लाइंस की छोटी सी पोयम है. तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी. अपने सजेशंस और सुझाव को कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि हम आने वाली वीडियोस को और बेहतर बना सकें. Thanks for watching.